सिंगरौली से एक चौंकाने वाली खबर है। कलयुगी वहशी दरिंदे मामा ने अपनी 5 साल की मासूम भांजी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। पुलिस ने इस दरिंदे मामा को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली जिले के माजन गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें रिश्ते के मामा ने ही अपनी 5 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म किया है। जैसे ही इस घटना की जानकारी सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह को हुई, उन्होंने तत्काल नवानगर थाना प्रभारी यूपी सिंह को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सूरज कुशवाहा को गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया। पुलिस ने आरोपी सूरज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। इधर गंभीर हालत में दुष्कर्म का शिकार मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मासूम के परिजनों ने आरोपी सूरज कुशवाहा को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। रिपोर्टिंग आई थी और इसमें पुलिस ने तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसको अभिरक्षा दिया है और इसके पूरे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। मामला है बच्ची का जो सीरियस है, आप लोग सब कोई देख रहे हैं। मांग ये है कि बस उसको उस लड़के को तो बिल्कुल फांसी हो जानी चाहिए। आज हमारी भतीजी के साथ किया है, कल किसी और के साथ करेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।